आज जो सीखेंगे हम वो है इंटीग्रेशन का एक ट्रिक्स। अगर आपका इंटीग्रेशन इस मॉडल पे हो, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस मॉडल पे हो और आपका 4ac माइनस b स्क्वायर ग्रेटर देन अगर जीरो हो, तो आपका इंटीग्रेशन का जो आंसर वो आएगा 2 बाई रूट ओवर 4ab tan इनवर्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन बाई रूट ओवर 4ac माइनस b स्क्वायर प्लस c। ये आपका आएगा आपका इंटीग्रेशन का, आपका जो इंटीग्रेशन है उसका रिजल्ट। तो चलिए एक इंटीग्रेशन लेके ये प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो ये एक इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है जिसको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे भी 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे bx मतलब 3x प्लस 5 मतलब c, ठीक ना। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये इस फॉर्म में है, मतलब हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करें तो a कौन सा होगा, अगर इसके साथ इसका कंपेयर करें तो 4, b कौन सा होगा b3 और c आपका क्या होगा 5। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 4ac माइनस b स्क्वायर, तो 4a मतलब 4, c मतलब 5 और b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 16 इंटू 5 मतलब दैट मीन्स 80 माइनस 9 दैट मीन्स 71, 71 ग्रेटर देन 0। तो ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करें तो क्या आएगा, तो जो आएगा वो है 2 बाई 4 रूट ओवर 4 इंटू a मीन्स क्या 4 और c मीन्स क्या 5 tan इनवर्स, tan इनवर्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस पार्ट। डिफ्रेंसिएशन अगर इस पार्ट का हम डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 8x सामने 2 आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 और 2 माइनस 1 दैट मीन्स x। और इसको अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो 3x का विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 3 होगा, ठीक है। बाई नीचे क्या होगा रूट ओवर 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ओवर 4ac माइनस बी स्क्वायर। अभी हम बोले रूट ओवर 4a मतलब क्या आपका 4, c मतलब क्या 5 और b स्क्वायर मतलब क्या 3 का स्क्वायर। तो आपका आ रहा है 4 इंटू 4 16 इंटू 5 80 माइनस 9 दैट मीन्स आपका रूट ओवर 71। तो यहाँ पे आपका आ रहा है रूट ओवर 71 प्लस सी, ठीक है प्लस सी। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन आ रहा है 4 बाहर निकल रहा है, दोनों 4 है मतलब एक 4 बाहर निकल जाएगा। तो 4 रूट 5 tan इनवर्स 8x प्लस 3 बाई रूट ओवर 71 प्लस सी, ठीक है। तो 2 को 2 से जा रहा है मतलब 1 बाई 2 रूट 5 tan इनवर्स 8x प्लस 3 बाई रूट 71 प्लस सी इज योर आंसर। क्लियर, बहुत सिंपल मेथड। आप ट्रिक्स के माध्यम से बहुत आसानी से और कुछ सेकंड में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है dx इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, मतलब आपके यहाँ पे a1 b क्या 4 और c क्या 5। तो हम ये चेक कर लेते हैं 4ac माइनस बी स्क्वायर चेक कर लेते हैं। तो 4a मतलब 1, c मतलब क्या 5 माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो 20 माइनस 4 16 दैट मीन्स 4 ग्रेटर देन 0। तो हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या आएगा 2 रूट ओवर ऑफ 4ab, a मतलब क्या आपका 1, b मतलब क्या आपका 4, ठीक है। tan इनवर्स ऊपर में क्या आएगा आपका इसका डिफ्रेंसिएशन तो क्या होगा 2x प्लस 4 और नीचे क्या आएगा रूट ओवर 4ac माइनस बी स्क्वायर। तो 4ac माइनस बी स्क्वायर मतलब 4, तो रूट ओवर 4 प्लस c मतलब आपका 4 इंटू 4 दैट मीन्स आपका यहाँ पे आ रहा है 4 इंटू 4 दैट मीन्स आपका यहाँ पे बाहर आ रहा है 4। तो 2 बाई 4 आएगा 2 बाई 4, तो 2 बाई 4 दैट मीन्स आपका आएगा 1 बाई 2 दैट मीन्स आपका कैंसिल होकर आएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 4 बाई रूट ओवर 4 मतलब क्या 2 प्लस c, ठीक ना। मतलब आपका जो रिजल्ट है वो आएगा हाफ tan इनवर्स यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस टू रहेगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स x प्लस टू प्लस सी इज योर आंसर. Clear? So this is very simple method. You can try this method in your examination hall. Thank you guys. If you like my video, subscribe my channel, share it. Thank you.